स्टूडेंट्स, इस एपिसोड में मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ और ये टिप्स है राइटिंग करेक्ट इंग्लिश का। आप कौन कौन सा कॉमन एरर्स जनरली इंग्लिश राइटिंग में होता है इसके ऊपर मैं फोकस दूंगा और ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही एपिसोड में आपके सारे रूल्स हो जाएंगे या टिप्स, इसलिए वेरियस एपिसोड्स आएंगे इसमें और हर एपिसोड में आपको 4 या 5 टिप्स देता जाऊंगा जो आप ध्यान में रखेंगे तो आई एम वेरी श्योर दैट यू कैन राइट वेरी करेक्ट इंग्लिश। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग राइटिंग करेक्ट इंग्लिश टिप्स ऑफ राइटिंग करेक्ट इंग्लिश। ओके, इसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं, कॉन्कॉर्ड भी बोलते हैं। ओके, कॉन्कॉर्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट। टिप्स रूल, दिस इज व्हाट टिप्स। 1, आप माइंड करेंगे y इज इक्वल टू IES और F या FE इज इक्वल टू VES में चेंज होगा। जैसे यहां है पार्टी, तो इसका जब प्लूरल आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा पार्टीज। ओके, नेक्स्ट cry, ये सिंगुलर वर्ब है, ये हो जाएगा cries। carry, तो ये हो जाएगा carries। ओके, puppy, तो हो जाएगा puppies। lady, हो जाएगा लेडीज। तो आप यहां ध्यान दीजिए, वाई 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 सब चेंज हो रहा है IES 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 IES। तो आप ये पूछ सकते हैं मुझे कि क्या हर वाई में IES लग जाएगा? नहीं, आप इतना ध्यान रखेंगे कि जितने वॉवेल हैं ये ए ई आई ओ और यू, ये 5 वॉवेल्स, वाई के पहले अगर ये 5 में से कोई भी वॉवेल्स आ गया तो फिर वहां आई एस नहीं लगेगा, सिंपल एस लगेगा। एग्जांपल प्ले, y के पहले एक वॉवेल है a, इसलिए इसमें आपका हो जाएगा सिंपल s, plays। ओके, इसमें दूसरा है से, ये भी देखिए a है, y के ठीक पहले एक वॉवेल है a, तो आपका हो जाएगा सेज। सिमिलरली convey, C-O-N-V-E-Y, ये देखिए Y के पहले एक वॉवेल है तो यहां S लग जाएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब Y के पहले कोई वॉवेल होगा तो आप S लगा देंगे, और अगर Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हुआ, ये 5 छोड़कर वॉवेल छोड़ करके अगर कोई कॉन्सोनेंट हुआ तो वो उस Y को आप चेंज कर देंगे IES में। ओके, तो और भी दूसरे हैं, हंगरी HUNGRY, तो इसमें आप क्या करेंगे, Y के पहले R है, कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो Y चेंज हो जाएगा IES में, तो हो जाएगा इसका हंगरीज। इज इट क्लियर?
नेक्स्ट एफ और एफ ई में आते हैं हम लोग। इसका अगर एग्जाम्पल बनाना चाहेंगे तो सेंटेंस में आप कोई भी सेंटेंस आप देख लेंगे, वो करेक्शन आप खुद कर लेंगे वाई को किस तरह से आई एस में बदलना है। नेक्स्ट है एफ और एफ ई। चलिए एफ चेंज होता है वी एस में जब आप प्लूरल बनाते हैं, जैसे वाइफ या नाइफ, नाइफ लीफ। ओके तो ये देखिए एल ई ए एफ लास्ट में एफ हुआ, लीफ मतलब पत्ता। आप इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो एफ चेंज हो जाएगा वी ई एस में, एल ई ए वी ई एस, एफ चेंज हो गया वी ई एस में। क्लियर। नाइफ आप ये देखिए एफ ई है, एफ ई भी चेंज हो जाएगा वी ई एस में, के एन आई वी ई एस नाइफ। सिमिलरली वाइफ डब्ल्यू आई एफ ई, तो ये भी एफ ई चेंज हो जाएगा वी ई एस में, प्लूरल नंबर में वाइफ्स। तो एफ या एफ ई चेंज इनटू वी ई एस, कंडीशन सेम है वॉवेल का। जब एफ ई या एफ के पहले वॉवेल रहेगा, ये देखिए एफ के पहले ये वॉवेल है वी ई एस हो गया, एफ ई के पहले आई है तो वॉवेल है एफ ई चेंज हो गया वी ई एस में, एफ ई के पहले वॉवेल है एफ ई चेंज हो गया वी ई एस में। तो ये था रूल नंबर वन, टिप्स नंबर वन। नेक्स्ट टिप्स, जब सब्जेक्ट दो होंगे प्लूरल होंगे तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुटा हुआ है तो सामने उसके बाद का वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। जैसे दो सब्जेक्ट में अंकित एंड शुभम, ये दो हुआ एंड से जुटा हुआ है दो सब्जेक्ट, तो वर्ब हो जाएगा प्लूरल आर फ्रेंड्स, ये वर्ब हो गया प्लूरल। नेक्स्ट, अगर दो सब्जेक्ट हो प्लूरल नंबर में हो लेकिन किसी एक के पहले द लगा हुआ हो आर्टिकल, जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, तो यहां पर क्या हो गया दो है, प्रिंसिपल है सेक्रेटरी है दो है सब्जेक्ट, वर्ब प्लूरल होना चाहिए लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल जब किसी एक में आर्टिकल लगा हो द लगा हुआ हो तो समझिए एक ही आदमी है जो प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज कमिंग। ओके, अगर यहां पे दोनों जगह अगर आर्टिकल लगा हो तो फिर ये दो अलग अलग होंगे, जैसे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, तो ये फिर दो अलग अलग आदमी हो गया, ये प्रिंसिपल अलग है और सेक्रेटरी अलग है क्योंकि दोनों को अलग अलग आर्टिकल लगा हुआ है दोनों में द, तो द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी आर कमिंग। ओके, टिप्स नंबर फोर, जब कोई ऐसा टर्म्स या वर्ड्स या सब्जेक्ट की जगह पे आने वाला आपको सिर्फ एक ही आइडिया कॉन्वे कर रहा है तो फिर वहां पे वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा, जैसे स्लो एंड स्टडी विंस हो जाएगा, सिंगुलर नंबर वर्ब होगा विंस द रेस। इसमें और भी स्लो एंड स्टडी एक ही आइडिया कॉन्वे करता है कि धीरे धीरे या आराम से,
सेकेंडली इसके अंदर और भी आ जाएंगे, जैसे द हॉर्स एंड कैरियर्स, घोड़ा गाड़ी। एनीवे तो सिंगुलर नंबर पर होगा, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज ए गुड ब्रेकफास्ट, गुड ब्रेकफास्ट। क्यों? ब्रेड एंड बटर से एक ही चीज रिफ्लेक्ट होता है, एक ही आइडिया आता है नाश्ते का, तो सिंगुलर नंबर वर्ब आएगा एज। सिमिलरली तो मेरे कहने का मतलब, वैसा कोई भी वर्ड जो एक ही आइडिया प्रोडक्ट करेगा उसके बाद का वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। स्लो एंड स्टडी सिंगुलर वर्ब, टू एंड टू, एंड ब्रेड एंड बटर, द हॉर्स एंड कैरियर्स, लाइक दिस। नेक्स्ट रूल नंबर, टिप्स नंबर फाइव, टिप्स नंबर फाइव आपको दे रहा हूं कि जब नाइदर neither नाइदर आएगा तो इसके बाद का वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, जैसे नाइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द बॉयज कम्स टू अटेंड द मीटिंग। ये देखिए नाइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर हमेशा टू के लिए, कम से कम टू, तो ये कम से कम नहीं, नाइदर टू के लिए ही होता है, तो नाइदर ऑफ द बॉयज हुआ प्लूरल नंबर, लेकिन वर्ब यहाँ पे सिंगुलर हो गया। क्यों? क्योंकि नाइदर के अनुसार आएगा वर्ब, तो नाइदर जब भी आएगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, माइंड इट। सिमिलरली आइदर, ई आई टी एच ईयर, आइदर के साथ भी वही है, आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज कम्स टू अटेंड द मीटिंग, यानी कि दो में से कोई एक आएगा। आइदर ऑफ द बॉयज प्लूरल होगा, आइदर भी दो के लिए होता है, नाइदर भी दो के लिए होता है, इसलिए आइदर और नाइदर के बाद का वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग दूसरा देख लेंगे, ये एपिसोड आप ध्यान से याद करेंगे, ये टिप्स है आपका राइटिंग करेक्टिंग लिस्ट का।